सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। कार्तिक के माह में छठ पर्व भी स्टार्ट हो चुका है। हमारे देश में छठ पर्व बहुत विस्तार से, बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। सनातन धर्म का सबसे बड़ा और सबसे कठिन व्रत यदि कोई पूछे आपसे कि कौन सा व्रत है, तो छठ पर्व ही है। बोलिए छठी मैया की। आप सभी को छठ पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्टार्ट हो चुका है कल से। तीन दिन का, चार दिन का ये व्रत होता है। सूर्य उदय का भी दर्शन, सूर्य अस्त का भी दर्शन होता है। सूर्य भगवान की विशेष पूजा की जाती है इस पर्व में। विशेष रूप से यह पर्व बिहार में, झारखंड में और उत्तर प्रदेश में भी, ये अब तो पूरे देश में ही, अमेरिका में भी। मैंने सुना कि जो हमारे भारतीय मूल भारतीय जो अमेरिका में जाके रह रहे हैं, वहाँ भी वो अपने इस त्यौहार को मना रहे हैं। तो हमारे सनातन धर्म में सबसे बड़ा और सबसे कठिन व्रत यदि कोई है तो छठ पर्व है। हमारी माताएं बिना कुछ खाए पिए इस व्रत को निभाती हैं। सारे लोग करते हैं, पुरुष भी करते हैं, स्त्रियां भी करती हैं, जिनको सद है सब करते हैं। कहते हैं इस व्रत को यदि कोई ना कर पाए, छठ पर्व को माना कि हम लोग नहीं कर पाते, आप में से बहुत लोग हैं नहीं कर पाते, जो लोग छठ पर्व को नहीं मना पाते, इस व्रत को नहीं करते, और जो लोग नहीं करते वो करने वालों का दर्शन कर लें तो उनके दर्शन करने मात्र से इस व्रत को करने का पुण्य प्राप्त हो जाता है। मतलब इस व्रत को करने वाला भी यदि हमें दर्शन हमें मिल जाए, जैसे हम नहीं करते इस व्रत को और कोई कर रहा है, तो हमने उसको ही प्रणाम कर लिया, भैया हम तो नहीं कर पाए, आपको ही हम प्रणाम करते हैं, तो वह पुण्य के भागीदार हम भी हो जाएंगे। इतनी महिमा है इस व्रत की। तो ये छठ पर्व की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।